मित्रों को जय जय सियाराम। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज देवशयनी एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और एकादशी व्रत के महत्व को बताएंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ बताया गया है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी तिथि के दिन से विष्णु भगवान पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं, इसी वजह से इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु समेत अन्य देवता भी निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। इसलिए ही देवशयनी एकादशी के बाद से श्रावण महीने की शुरुआत होती है। तो देवशयनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। इस साल आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी 10 जुलाई रविवार के दिन पड़ेगी। देवशयनी एकादशी तिथि शुरू 9 जुलाई को शनिवार सायं 4:39 से और देवशयनी एकादशी तिथि का समापन 10 जुलाई रविवार दोपहर 2:13 पर। उदय तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई सोमवार प्रातः 5:56 से 8:36 तक। हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होता है। इस एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है जिससे समस्त मनोकामना पूरी हो सके। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु देव निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संपूर्ण भार भगवान भोलेनाथ के हाथों आ जाता है। इस दिन से लगभग 4 महीने तक यानी देव उठनी एकादशी तक मंगल कार्यों को करने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन से ही शिव पूजन करना विशेष रूप से फलदायी होता है। चूँकि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है, इसलिए इस दिन विष्णु जी का पूजन विशेष लाभकारी माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन आप अगर व्रत करते हैं तो प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें और घर की मंदिर की सफाई करें और सभी भगवानों को स्नान कराएं। एकादशी व्रत का संकल्प करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और पूजन करें। विष्णु जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें तुलसी दल जरूर रखें। भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके विष्णु जी और माता लक्ष्मी की आरती करें और पूरे दिन फलहारी व्रत करें और अगले दिन पारण करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु पूजन अत्यंत फलदायी होता है और ऐसा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।